अस्सलाम वालेकुम। ये मैसेज मैं उन तमाम जो इंडियन मुस्लिम भाई हैं हमारे, जो चाहते हैं दिलो जान से कि हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र घोषित हो और हिंदुस्तान में जो मुसलमान जो अमन और चैन से जी रहे हैं, वो उनको हमेशा मिलेगा, ताकि वो 5 वक्त नमाज़ पढ़े, अल्लाह को याद करे, वो अपना यहाँ से सबको प्यार देकर, प्यार बांट कर अल्लाह को प्यारा हो जाए। नहीं उनको जन्नत का ख्वाहिश है और ना ही दोजख का। वो चाहते हैं कि अल्लाह का नाम ले, अल्लाह को प्यार करे, 5 वक्त नमाज पढ़े और खुश ज़िंदगी जीता बिता कर यहाँ से चले जाए। मेरा ये क्वेश्चन ये है और उनसे भी है जो एक कट्टरपंथी दिखाते हैं, भाई हमारे इंडियन आर्मी में भी तो लाखों मुसलमान बैठे हुए हैं भैया, वो भी तो मुसलमान हैं, उनका भी तो हक है कुरान में, उनका भी तो हक है अल्लाह को पर। अच्छा वो ऐसे क्यों गलत नहीं करते हैं, वो क्यों इसे हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं, हम हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, हिंद राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, क्यों? क्या वो इस्लाम को प्यार नहीं करते हैं? तो आप लोग यार एक घटिया देश पाकिस्तान का बात सुनकर अपने आप को क्यों अपना जान गंवा रहे हो? थोड़ा सोचो कट्टरपंथियों, ये उनका धंधा बन चुका है, आतंकवादी उनका धंधा है, दुनिया में इस्लाम को बदनाम कर रहा है, कुरान को बदनाम कर रहा है। आगे आपकी मर्जी बॉस। इतना बड़ा फाइटर हो के दाऊद इब्राहिम छुपा हुआ पाकिस्तान में, जाकिर नायक जाके छुपा हुआ विदेश में, क्यों, किस लिए? क्योंकि ये डरे हुए हैं, ये अल्लाह का